नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले ही एक नजर सुर्खियों पर। सीमा की सुरक्षा को लेकर किशनगंज में बैठक। 24 तक वीवी व कॉलेज कर्मचारी रहेंगे सामूहिक अवकाश पर। स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में बांका को मिला राज्य में तीसरा स्थान। बिहार के कई जिलों में NIA का छापा। बिहार में बिजली होगी महंगी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीमा की सुरक्षा को लेकर किशनगंज में बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया में भाजपा की जनभावना रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वह 24 सितंबर को किशनगंज में सीमा की सुरक्षा को लेकर बैठक भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने बिहार से नक्सली समस्या के खत्म होने को लेकर भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रहे निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। पहली बार बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकालकर सुरक्षा बलों के साथ स्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं। 24 तक वीवी व कॉलेज कर्मचारी रहेंगे सामूहिक अवकाश पर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी व कॉलेज कर्मियों की लंबित प्रोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार से 3 दिनों तक फिर कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 3 दिनों तक होने वाले इस हड़ताल का असर स्नातक में चल रहे छात्र छात्राओं के नामांकन व पार्ट 1 परीक्षा 2022 का भरे जा रहे परीक्षा फॉर्म पर पड़ेगा। इस हड़ताल का मुख्य मुद्दा 4th से 3rd ग्रेड में प्रोन्नति है। नेताओं का कहना है कि कर्मियों की मांग को लगातार वादा करके यूनिवर्सिटी प्रशासन भूल जा रहे हैं। 4th ग्रेड से 3rd ग्रेड में कर्मियों को प्रोन्नति का मुख्य मुद्दा है, जिसे यूनिवर्सिटी इग्नोर कर रहा है। 23 सितंबर तक एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन का बदला समय। इंडियन रेलवेज के सोनपुर मंडल के हाजीपुर और बछवाड़ा के बीच चल रहे दोहरीकरण परियोजना से संबंधित कार्य के लिए सहदेव बुजुर्ग और अक्षय वट रायनगर स्टेशन के बीच 23 सितंबर तक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक 4 घंटे का ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कारण इस रेलखंड से गुजरने वाले ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है, जिसमें नाहरल लगून से खुल चुकी गाड़ी संख्या 22411 नाहरलगुन आनंद विहार अरुणाचल एक्सप्रेस कटिहार और सहदेई बुजुर्ग के बीच 40 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी। स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में बांका को मिला राज्य में तीसरा स्थान। आयुष्मान योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में जिला पूरे राज्य में तीसरे पायदान पर है। इसे लेकर बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की ओर से शुक्रवार को अधिवेशन भवन पुराना सचिवालय पटना में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर रविंद्र नारायण व DPC पवन कुमार को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत कार्ड धारक 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ किसी भी उम्र के लोग ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास 2014 से पहले का राशन कार्ड होना अनिवार्य है। बिहार के कई जिलों में NIA का छापा। बीते दिन गुरुवार को बिहार समेत देश भर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है। आतंकी मॉड्यूल मामले में पूर्णिया स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश स्तरीय कार्यालय में NIA की टीम ने दबिश दी है। बता दें कि बिहार में NIA की तीसरी बार रेड पड़ी है। NIA ने PFI के प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं को टारगेट किया है। बिहार के अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में छापा पड़ा है। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी खबर सामने आई है। हालांकि बिहार से अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। शिवानंद तिवारी ने कहा, तेजस्वी को CM बनाकर आश्रम खोले नीतीश। नीतीश कुमार की बार बार PM की दावेदारी से इनकार और तेजस्वी यादव जैसे युवाओं को आगे बढ़ाने की वकालत के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि 2025 में DPC तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश सरकार आश्रम खोल ले। इस पर JDU नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा है कि बाबा नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ है, जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता ऊंचे से ऊंचे शिखर पर रहते हुए बिहार वासियों के साथ देशवासियों की सेवा करते रहे। मुझको लगता है कि यदि आपको जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। बिहार की हरहा नदी से मिली दुर्लभ माउथ कैटफिश। बिहार के बंचारी गांव की हरहा नदी में मछली मारने के दौरान मछुआरों को मछली माउथ कैटफिश मिली, जिसके बाद इस मछली को लेकर स्थानीय में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि मछली मिलने की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। बता दें कि माउथ कैटफिश एक मांसाहारी प्रजाति की मछली होती है, जिससे कई जलीय जीवों को खतरा बना रहता है। यह मछली अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका में अधिकतर पाई जाती है। इस मछली को वर्ष 2003 से 4 में गंगा नदिया में सर्वे के समय पहली बार देखा गया था। वर्तमान में यह मछली गंगा, गंडक और कई अन्य नदियों में मौजूद है।
पटना में एक कुरियर कंपनी के ठिकाने पर छापा। बिहार की राजधानी पटना के दीदारगंज इलाके में स्थित एक कुरियर कंपनी के ठिकाने पर DRI के स्पेशल टीम ने छापेमारी कर 28.57 किलोग्राम सोना जब्त किया है। बता दें कि यह सोना कुरियर के माध्यम से मुंबई जा रहा था। छापेमारी करके पैकेटों को जब्त किया गया है। इनमें 180 की संख्या में सोने के बिस्किट रखे पाए गए, जिनका बाजार मूल्य करीब 14.50 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस सोना को तस्करी करके म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत लाया गया था। DRI ने पिछले 2 दिनों में पटना के अलावा महाराष्ट्र के भिवंडी में 19.93 किलोग्राम और हरियाणा के मानेसर में 16.96 किलोग्राम सोने की तस्करी वाली खेप को पकड़ा है। बिहार में बिजली होगी महंगी। राज्य सरकार ने बिजली की दरों में बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके कारण आगामी वित्तीय वर्ष से उपभोक्ताओं को अधिक दर से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ सकता है। दरअसल नगर विकास विभाग ने उपभोक्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली बिजली पर 2.5% से वसूलने का प्रस्ताव दिया है। अधिकारियों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में दर निर्धारण के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिए जाने वाले प्रस्ताव में नगर विकास के प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। हालांकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को इससे दूर रखा गया है। 2023-24 के लिए बिजली दर निर्धारित करने का प्रस्ताव 15 नवंबर को बिजली कंपनी देगी। पहली बार पत्नी संग अपने गांव जा रहे हैं तेजस्वी। शादी के बाद पहली बार तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ अपने गांव फुलवरिया जाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि आगामी 24 सितंबर को तेजस्वी और राजश्री फुलवरिया पहुंचेंगे, जहां वह 2 दिन रहेंगे। ऐसे में गांव में खास तैयारी चल रही है और गांव को दुल्हन की तरह सजाया सवारा जा रहा है। गांव के इस 2 दिन के दौरे के दौरान तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ लालू प्रसाद के द्वारा स्थापित किए गए पंच मंदिर और थावे दुर्गा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी 25 सितंबर को फुलवरिया प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। बिहार में घट गई बेटियों की संख्या। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े के अनुसार बिहार में बच्चों को लिंगानुपात चिंताजनक अनुपात में गिरा है। इस आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक गिरावट मुजफ्फरपुर में देखने को मिला है। यह चाइल्ड सेक्स रेशियो 930 से गिरकर 685 पहुंच गया है। वहीं राज्य का औसत भी बीते 5 वर्षों में 26 अंक घटा है। 5 साल पहले यह 934 था, जो 908 हो गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार ने लैंगिक संवेदनशीलता पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बता दें कि राज्य में लड़की के लिए कन्या उत्थान जैसे स्कीम चलाई जा रही है। इन योजनाओं का मकसद भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात में सुधार लाना और जन पंजीकरण को बढ़ावा देना है। बिहार के शराबबंदी संशोधन कानून के खिलाफ याचिका। बिहार में शराबबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाने के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन किया है। इन संशोधन के अंतर्गत पहली बार शराब पीने के दोषी व्यक्ति को यदि दूसरी बार शराब या अन्य वर्जित मदिरा पान करने के आरोप में गिरफ्तार होता है तो उसे सीधा 1 साल जेल की सजा देने का प्रावधान रखा गया है। शराबबंदी कानून के इस संशोधन के तहत ट्रायल हुए बिना ही आरोपी को सीधा 1 साल का जेल की सजा सुना देने का प्रावधान है। इसकी वैधता को चुनौती देते हुए पटना कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। नीतीश सरकार ने वेतन को लेकर जारी किया आदेश। बिहार सरकार ने सरकारी अधिकारियों कर्मियों के वेतन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के द्वारा यह निर्णय दुर्गा पूजा को लेकर किया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सितंबर महीने का वेतन भुगतान 26 सितंबर को किया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने पत्र जारी किया गया है। यह पत्र वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त DM कोषागढ़ पदाधिकारी, सभी विभागों के सचिव, विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल के प्रधान सचिव को लिखा गया है। कोच द्रविड़ ने वर्ल्ड कप से पहले रखी BCCI से खास मांग। मोहाली में पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार मिलने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने BCCI के सामने कुछ खास मांग रखी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार टीम इंडिया के हेड कोच चाहते हैं कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की परिस्थिति में ढलने के लिए वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मैच खेले और टीम तय समय से पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ICC द्वारा टीम इंडिया के लिए 2 प्रैक्टिस मैच निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 17 अक्टूबर को टीम न्यूजीलैंड से भिड़ेगी, जबकि 18 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। वहीं टीम वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर करेगी। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 5,443 नए मामले सामने आए। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 43 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 19 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 93,523 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 67 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था।
जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सदुल्ला पलवी, राबिया बसारी, शंकर मुखिया, मुत्तु रंगीला, उमेश रिसोदिया, दयाल सरन बक्सी, नुन्नू कुमार, कुलदीप कुमार, पवन सिंह, ओम प्रकाश, भान प्रकाश मौर्य, अहमद रुस्ती, कविता कुमारी, के सिन्हा, फूलदेव यादव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने अपने घर में अब तक स्मार्ट मीटर लगवाया या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।